Mustafa? Huh? Why? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? चैट बॉक्स में लिख दो अगर आ रही है तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग को आ रही है मेरी आवाज़? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो ताकि मैं स्टार्ट करूँ। हेलो, यस मिस, ठीक आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, ऐसा कि आप लोग सब मुझे जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नाम देख रही हूँ कि वही हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में भी मुझसे क्लासेस ली हैं, तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे और अपने घरों में होंगे और अपना ख्याल रखेंगे अपने फैमिली का।
तो बेसिकली बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर का, तो जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और आप लोग के एग्ज़ाम्स हुए नहीं, तो आप लोग को बेसिकली जो इंटर का फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं हुआ, सही है। तो पैटर्न जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का होता है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तरह ही होता है, सही है। रीजनिंग क्वेश्चंस अगेन वैसे ही होते हैं, और जो आप लोगों के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का इस साल जितने हम लोगों के चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, आप लोगों को मैं जो है वो चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता दो कि किस किस के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है सेकेंड ईयर की, मुझे जल्दी से टाइप करके बता दो आप लोग प्लीज़, ताकि जो है मैं इस हिसाब से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आज हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल नहीं है, सही है। तो चैट बॉक्स अवेलेबल है ना आप लोग के पास, आप मुझे जल्दी टाइप करके बता दो बेटा कि बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। नहीं है बुक, हाँ नहीं, ठीक है। बाकी लोगों के पास, जिनके पास नहीं है वो कमेंट कर दें, और जिनके पास है वो भी बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। है, ठीक है सुमैया, नहीं है, सही है, ठीक है, मेजोरिटी के पास है, सही, आई हैव इश्क, सही, जयंती के पास भी है, बाकी अलीजा आई हैव, ठीक है, तो मेजॉरिटी के पास बुक है, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक के पास भी है, सही है। तो घबराने की बात नहीं, आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, आप लोग जो है इंडेक्स का पेज जो है वो खोल लो। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो है होम्योस्टेसिस का, सही है। होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है ना बेटा, आप लोग एक काम करो, इसके आगे ना 5 स्टार बना लो। क्यों? क्योंकि होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है वो बेसिक आपका जो आपके एमकैट में जाकर आपको हेल्प करेगा, और आपके जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो पेपर है उसकी जो बेसिक, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर होता है उसका एग्जाम में, वो होता है आपके होम्योस्टेसिस के पेपर का, सही है। उसमें आप लोग होम्योस्टेसिस में बेसिकली क्या पढ़ोगे, मैं देखो अभी क्योंकि हमारी पहली क्लास है, और फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होता है कि पहली क्लास में हम जो है वो इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पेपर पैटर्न पे, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, सही है। और मेजॉरिटी के पास बुक्स भी नहीं है, तो बेटा मेक श्योर कि बुक आप लोग के पास आ जाए। वैसे तो इंशाल्लाह कल से जो है वो एक प्रॉपर आप लोग के पास स्लाइड्स और पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह अवेलेबल होगी, तो आज के दिन जो है वो हम लोग इंडेक्स वगैरह डिस्कस करेंगे जो इसके कंटेंट्स हैं, सही है। तो पहला चैप्टर जो है बेटा बेसिकली होम्योस्टेसिस का है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, सही है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हम ह्यूमन बॉडी का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अलावा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होती है, जितने भी एनिमल्स हैं, सही है, जो मेन मेन एनिमल्स हैं जैसे कॉकरोच हो गया, प्लेनेरिया हो गया, सही है, तो इन सब एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रही होती है, कैसे उसका प्रोसेस हो रहा होता है, वो सब हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपोनेंट जो इसका होता है वो होता है आपका एक्सक्रीशन के बाद जो जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो है बेसिकली बेटा जो है आपका जो बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है, ठीक है, जितना भी ऑस्मोसिस, समझते हो ना आप लोग फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की हमने कितनी दफ़ा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, उसमें किस तरह वाटर डायनामिक्स डील हो रहे थे, सही है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं आपका जो वाटर या डायनामिक्स या ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, सही है। तो होम्योस्टेसिस के दो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, बेसिक जो आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, एक एक्सक्रीशन हो गया, सही है, और दूसरा हो गया आपका ऑस्मोरेगुलेशन, सही। तीसरा जो कंपोनेंट होता है बेटा वो होता है थर्मोरेगुलेशन। आप लोगों में से जिन जिन के पास बुक है तो आप लोग जो है मेन जो होम्योस्टेसिस का पेज है उस पर आप लोग देख सकते होंगे कि वहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई गेस, हाँ देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, सही है। तो थर्मोरेगुलेशन इज द थर्ड पॉइंट जो होम्योस्टेसिस में आ जाता है, ठीक है। तो थर्मोरेगुलेशन आपको नाम से पता चल रहा है कि थर्म मीन्स हीट, सही है, और रेगुलेशन का मतलब है उसको रेगुलेट करना, कैसे बॉडी रेगुलेट करती है, सही। तो होम्योस्टेसिस का बेसिकली मतलब जो स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था वो ये होता है कि होमो का मतलब होता है सेम या यूनिफॉर्म, सही है, स्टेसिस का मतलब होता है टू मैनेज या आप कह सकते हैं टू मेंटेन, सही है। तो किस तरह एक ह्यूमन बॉडी या एक प्लांट बॉडी अपने इक्विलिब्रियम को सेम रखती है, मेंटेन रखती है, तो वो सब चीज़ें जो है वो होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो अनम्यूट कर दिया है मैंने, किसी को अगर अभी तक कोई सवाल है या कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ताकि मैं फिर सेकेंड चैप्टर के ऊपर जो है वो
जाऊं, कोई भी सवाल पेपर पैटर्न से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, क्योंकि अब ये फेस टू फेस क्लास तो है नहीं जहाँ आप हैंड रेस करो पूछ लो, तो आप लोग जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में आप लिख दो, सही है, मिस प्लीज पेपर पैटर्न लिखवा दे, ठीक है, ऑल क्लियर। या पेपर पैटर्न का हम लोग ज़्यादा डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न होता वही है जयंती कि जैसे आप लोग के उसमें होता था फर्स्ट ईयर में कि एक रीजनिंग का पार्ट आता है, सही है, और आपका एक नॉन रीजनिंग पार्ट आता है, सही। रीजनिंग के पार्ट में ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें आप लोगों ने जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपको रीजन देना होता है, और रीजन देने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैं दोबारा वैसे भी आप लोगों को समझाती रहूँगी हर क्वेश्चन और हर चैप्टर के हिसाब से। तो रीजनिंग क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग अगेन वही जो MCQs आते हैं वो आते हैं, और लॉन्ग आपका जो है वो क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से बॉटनी में दो अटेम्प्ट करने होते हैं और जोलॉजी में दो अटेम्प्ट करने होते हैं, सही है। तो वही पेपर पैटर्न होता है और वही चीज़ें होती हैं, नथिंग डिफिकल्ट या नथिंग डिफरेंट, वही सेम पैटर्न फॉलो होता है सेकेंड ईयर में भी जैसा फर्स्ट ईयर में था, सही है। और रीजनिंग का तरीका आप लोगों को मैं इंशाल्लाह वैसे ही जैसे फॉलो होता था फर्स्ट ईयर में वही चीज़ है, बट हर टॉपिक के हिसाब से मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। वैसे आप लोगों को आई होप के याद होगा मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले जो बुक के अंदर उस टॉपिक के हवाले से बात लिखी होती है, सबसे पहले आपने वो लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है, उसको डिफाइन करना है, उसकी रीजनिंग देनी है, एंड उसके बाद जैसे सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है, एंड हाउ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स इट्स होम्योस्टेसिस, रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन बुक में अवेलेबल है, सही है। तो रीजनिंग का तरीका क्या होता है कि पहले आपने जो क्वेश्चन में जो डेफिनेशन वाली टर्म है उसकी उसको डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करने के बाद अपना रीजन जो पूछा हुआ है उसको बताना है, उससे रेलिवेंट कोई डायग्राम है या कोई स्टेटमेंट है तो आपने वो लिख देनी है, सही है। तो आई होप कि ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी, बाकी पेपर पैटर्न बेटा वही होता है, सही है। और किसी को कोई सवाल है तो बेटा चैट बॉक्स में लिख दो या अनम्यूट करके लिख दो। मिस मिस आवाज बहुत तेज है, हाँ अब बोलो। मिस मैं ये कह रही थी कि जो है पहले आप हमें मुश्किल चैप्टर्स पढ़ा दें। अच्छा ठीक है, सही है। तो इस सेंस में ऐसा हो जाता है ना कि पहले सही से पढ़ लेंगे हम मुश्किल चैप्टर, फिर आसान पढ़ लें। जैसे पहले हमारा प्लांटी था तो वो हम पहले पढ़ लें, इस तरह के मतलब बॉटनी मुश्किल होती है। क्या कह रहे हो, मुश्किल क्या हो रही है? बॉटनी मुश्किल होती है ना मिस। बॉटनी कहना चाह रही हूँ आप सेकेंड ईयर में बॉटनी इतनी मुश्किल नहीं है, पहले बता देती हूँ, जूलॉजी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जो सेकेंड ईयर की जूलॉजी है ना वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, सही है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना वो मतलब जूलॉजी ठीक है सही थी, बट उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम लोगों ने सारे जनरल एनिमल्स को डिस्कस किया था, ठीक। बट जो सेकेंड ईयर की जूलॉजी है ना दैट इज मोर रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बाकी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कैसा हो रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और मतलब ये सारे जो सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको जनरल जूलॉजी, जनरल एनिमल किंगडम्स वगैरह बताए थे। तो अब सेकेंड ईयर में क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, एक लेवल आगे आ गए हो, तो अब ह्यूमन बॉडी के जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, मसल कैसे काम करते हैं और रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो बेटा और भी सवाल, ठीक है मिस, मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो मुश्किल चैप्टर है आपको पता होगा ना, हाँ, जैसे क्या मुश्किल है तो वो आप पहले पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। हम लोग स्टार्ट है ना होम्योस्टेसिस से लेंगे, सही है, होम्योस्टेसिस का चैप्टर इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों में सब जिनके पास बुक नहीं है वो ले ले तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं भी अभी फिलहाल तो कोई मसला नहीं, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह साथ में शेयर होंगी, ठीक है। तो पहला हम इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस करेंगे जो कि मुश्किल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और लेंदी भी है, सही बेटा। वॉइस सही नहीं आ रही क्यों बेटा, अब आ रही है ठीक? आप लोगों को आवाज तो साफ आ रही है ना बेटा मेरी, ऐसी yes, बात तो नहीं है कि आ रही है साफ, ठीक है। बाकी लोगों को मिस मुझे तो क्लियर आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। इशरत आपकी साइड पे कोई इशू होगा, स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है और बाकी बच्चों के पास भी आई गेस स्क्रीन मेरी आ रही है Yes. आ रही है, ठीक है। चलो बेटा अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो आपके इंडेक्स में आप लोग देख रहे होंगे वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। चलो मसला सही हो गया, सही है। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट का नाम से आपको समझ में आ रहा है, सपोर्ट का मतलब
किसी चीज को सहारा देना सही है। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जाहिर बात है आप मूव कर रहे हो, मैं भी अभी मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो मूवमेंट कैसे हो रही है एनिमल बॉडी में कैसे हो रही है, और प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, प्लांट्स में भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, सही है, नेस्टिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट, फलाना चलाना। तो सपोर्ट और मूवमेंट के चैप्टर में हम लोग बेसिकली वो डिस्कस करेंगे, सही है बेटा। देखो हर चैप्टर का ओवरव्यू देने का मकसद ये ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सेकंड ईयर में है क्या। अब कॉलेज तो आप लोग जा नहीं रहे हो, ठीक है, फेस टू फेस हम लोगों का ऐसा इंट्रैक्शन हो नहीं रहा, वीडियो कॉल्स के थ्रू ही लेक्चर होंगे। तो मैं चाह रही थी कि पहले हम लोग जो है वो सब चैप्टर्स का ओवरव्यू डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अब सपोर्ट और कंट्रोल में हम मसल्स को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के बॉडी में मसल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी, अगेन मेन एम्फेसिस उसका होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि आपके जो मसल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के मसल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपका सपोर्ट और मूवमेंट के अंदर। अगेन सपोर्ट एंड मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही है। देखो ये मैं सोचना कि मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही है, सपोर्ट और मूवमेंट, होम्योस्टेसिस थर्ड चैप्टर जो है वो, और फोर्थ चैप्टर, यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और एक चैप्टर आपका सेल साइकिल चैप्टर नंबर 7, सही है। ये 4 या 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, दे मेक अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इसको अच्छे से सेकेंड ईयर में समझ गए ना, बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो एमकेट में यकीन करो कि आप लोगों को इतनी आसानी होगी ना कि आप लोग की सोच है, सही है। और ज्यादातर क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं, मुझे याद है मेरा जब एमकेट का एग्जाम हुआ था तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से भी काफी सारे सवाल थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा सेकेंड ईयर आपके पास लास्ट चांस है अपनी बेसिक्स को क्लियर करने का, और उसके बाद तो आपने एमकेट की तरफ जाना है जो आप सबका मेन मकसद है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो एमकेट भी देना होगा। और एमकेट में आप उसी वक्त अच्छा स्कोर कर सकोगे जब आपका फर्स्ट ईयर और आपका सेकेंड ईयर का जो आपकी बेस बनी हुई है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, सही है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सही। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आपस में कनेक्ट होकर काम करना, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब कि कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेशन के बाद किस तरह से कंट्रोल की जा रही है, सही। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है बेटा कि हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, सही है, आप टाइप कर रहे हो, तो ये सब काम कैसे हो रहे हैं, आपका ब्रेन आपको कमांड देता है कि भाई ये काम करो। अब मैंने टाइप करना है कुछ, तो मेरे हाथ तक वो सिग्नल कैसे जा रहा है, कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से कंडक्शन हो रही है, नर्व कंडक्शन हो रही है, इम्पल्स कंडक्शन हो रही है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ब्रेन के पार्ट्स डिफरेंट जो हैं उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बेसिकली पूरा उस पर डील करता है कि हमारी बॉडी में और जितने भी एनिमल्स हैं जो मेन मेन है उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे, सेंट्रल एंड पेरिफेरल बोथ, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर एमकेट एज वेल, सही हो गया। और ये लेंथी बहुत है चैप्टर, ठीक है, तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स फोर्थ चैप्टर, देखो बेटा अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, या चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, तो मैं आंसर कर दूंगी, सही। कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा एक सेकंड बेटा, सही हो गया, ठीक है, अकीला ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अच्छा बेटा कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई सवाल, सुन रहे हो मुझे या फिर लगा के छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में ऐसे कर रही होती हूँ, ऐसे नहीं करना तुमने, सही है, सही है, किसी को कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर पे आ जाते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन, सही है। तो रिप्रोडक्शन में आप लोगों को नाम से पता चल गया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा होता है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस ह्यूमन बॉडी, अगेन पूरी ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है, फंक्शनल बायोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके अंदर, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही है, और कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनका पूरा प्रोसेस किस तरह से, कितने ड्यूरेशन के लिए, मतलब डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
सही है। और रिप्रोडक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एम कैट, ठीक है। बायोलॉजी का जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है उसमें तो बनता ही बनते हैं इससे क्वेश्चंस, बट फॉर एम कैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसकी इतना मुश्किल नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, रट्टा बिल्कुल लग ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पांचवा आपका जो चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज यू नो अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, सही है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझना इसको। बहुत ज़्यादा आपको मतलब कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और ये मतलब मैं भी जब इसके लेक्चर इंशाल्लाह आप लोग को दूंगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें थोड़ा सा आहिस्ता चल के काम करना पड़ेगा, और मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब इसको विजुअलाइज करना, जब आप इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को चैप्टर तो आप लोगों को फिर आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। सही है, जोलॉजी इसकी, बॉटनी तो बहुत दो तीन पेजेस की है और वो हो जाती है, बट जोलॉजी इसकी मुश्किल है, और इस तरह से मुश्किल है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि जब एक जो लाइफ की बिगनिंग है वो कब स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। सही है, और फर्टिलाइजेशन क्या होती है भी आप लोगों को पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो दे मेक अ जायगोट, ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सही है, तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेटा नाम से पता चल जाए ग्रोथ डेवलपमेंट, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट एक लेमैन के लिए तो ऐसा होगा कि भाई दोनों चीज़ें सेम है नाम से ग्रोथ और डेवलपमेंट, मगर दोनों में फ़र्क है, ठीक है, तो वो क्या फ़र्क है वो हम डिस्कस करेंगे। और फर्टिलाइजेशन की जो मैं बात कर रही थी तो वो मैं ये कह रही थी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर एक न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म होने तक जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जाहिर बात है अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 9 मंथ्स में पूरे बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है। सही है, तो अब उस 9 मंथ्स के अंदर मतलब इतना डिटेल में तो नहीं होगा बट आपको बेसिक तो ज़रूर बताई जाएगी कि क्या हो रहा होता है। सही, अब आपको क्योंकि आप लोग अभी सेकेंड ईयर के लेवल पर हो, ठीक है, तो डायरेक्ट ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को बताना या पढ़ाना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, वो हमने खुद आकर MBBS के फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के अंदर एम्ब्रियोलॉजी पूरी पढ़ी है, और उसको भी सिस्टम वाइज पढ़ा है कि हार्ट कैसे बनता है, ब्रेन कैसे बनता है, आईज कैसे बनती हैं, ठीक है, लंग्स कैसे बनते हैं, ठीक है, तो वो बहुत डिटेल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इंटर वालों ने क्या किया, आपको बेसिक्स पढ़ाने के लिए या बेसिक बताने के लिए कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे चिक की फॉर्मेशन बताई हुई है, छोटा सा जो चूसा होता है, जो हैन का बेबी होता है चिक, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन बताई हुई है। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, फिर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं तो फिर हम लोग जो है वो उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स को। सही, तो अभी आप लोगों क्योंकि आप लोगों का बिगनर लेवल है और बहुत अभी आप लोग छोटे हो तो इसलिए आप लोगों को बेसिक चिक की डेवलपमेंट से जो है वो सारे मेन प्रोसेस, क्योंकि चिक की डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस तकरीबन सेम होते हैं, तो वो सब आपको चिक की डेवलपमेंट के उसमें फॉर्म में बताया हुआ है कि क्या क्या बेसिक प्रोसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब चीज़ें। सही है, किसी को कोई क्वेश्चन बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लो, क्योंकि हमारा फंक्शनल बायोलॉजी का जो मेन ओवरव्यू हम कर चुके हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पे मैं जंप करूँ। कोई सवाल हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई अभी तक कन्फ्यूजन है या कोई सवाल करना हो तो। सो तो नहीं रहे हो? जी बेटा, एक सेकंड बेटा, मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है, मैं जरा आवाज थोड़ी तेज करूँ। जी बेटा, आप बोलिए। ये कौन, राफिया बोल रही है, ठीक है। हाँ बेटा, वही जो फर्स्ट ईयर में कहती थी मैं कि आप लोगों ने जो है वो एक सेकंड बेटा, हाँ लर्निंग सारी बुक से ही होगी, फर्स्ट ईयर वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा कि आप लोगों ने जो है वो बुक से ही करनी है, ठीक है, बुक से ही होगी सारी लर्निंग। अच्छा, बुक से इसलिए होगी बेटा क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुक है उससे ज़्यादा अच्छे नोट्स आपके पास हो ही नहीं सकते। सही है, ये बात मैंने कितने इस चीज़ के ऊपर जोर डाला है पूरे फर्स्ट ईयर में, या जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आप लोग जो सर पढ़ाते हैं, जो सर बोर्ड पे लिखते हैं, उसके साथ साथ बुक को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोलॉजी में बोर्ड पे लिखने का इसलिए तुक नहीं बनती क्योंकि बायोलॉजी में आपको कोई न्यूमेरिकल या सर की चीज़ तो कोई आपके पास होती नहीं है, ठीक है। सिंपल बुक से बेहतरीन नोट्स तो मैं नहीं समझती कि कहीं भी आपके पास अवेलेबल होंगे, और बुक से पेपर भी बनता है और बुक से एम कैट भी आता है। सही है, और एम कैट में अगर देखो जो बच्चे नोट्स से पढ़े होते हैं ना फॉर बायोलॉजी, ठीक है, तो अभी तो वो नोट्स से पढ़ लेंगे, फिर एम कैट में आपको रीड करना पड़ेगी बुक, तो आप कैसे करोगे, आपके लिए तो वो बिल्कुल नई चीज़ होगी, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर में। सही है,
तो अगेन फर्स्ट ईयर की तरह एक एक लफ्ज, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक आपने बुक से याद करना है. जहां पर जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी कर दिया तो बोर्ड पे लिखवा दिया, आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है. जहां पर जरूरत पड़ेगी अगेन मैं आप लोगों को बता दूंगी. रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बता दूंगी, सही है. लेकिन जो नॉन रीजनिंग का पार्ट होता है, जो लॉन्ग आंसर आते हैं, वो आपने टोटली बुक से कवर करने हैं. और सेकेंड ईयर की एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को याद होगा किंगडम एनिमिलिया में मतलब ऐसी डायग्राम्स नहीं थी. मैंने खुद भी आपको कहा था कि कुछ डायग्राम्स ऐसी है जो आप छोड़ सकते हो और बिल्कुल किसी काम की नहीं है, और वो आती भी नहीं है, और वो है भी बहुत मुश्किल, आप लोगों को याद होगा, सही है. बट सेकेंड ईयर में बेटा काफ़ी मतलब हर चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी टॉपिक्स और मेजॉरिटी डायग्राम्स ऐसी हैं जिनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस हैविंग दैट पॉइंट कि भाई आप डायग्राम बना दो, बट अगेन रीजनिंग में उठकर आ जाते हैं डायग्राम्स. काफ़ी सारी ऐसी हैं सेकेंड ईयर के अंदर, अगर आप लोग जब इंशाल्लाह पढ़ोगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में भी क्या होता है कि डायग्राम दे दी होती है और नीचे जो है वो उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है. दूसरी बात ये कि जो एमकैट का टेस्ट बन रहा है, अब तो 200 एमसीक्यूज, हमारे टाइम पे तो सिर्फ 100 होते थे, सही है. तो जो एमसीक्यू का पोर्शन बायो का आता है ना, उसमें अब डायग्राम भर के वो लोग दे देते हैं. डायग्राम से रिलेटेड एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं वो डायग्राम सेकेंड ईयर की बुक से मोस्टली उठाए हुए होते हैं, सही है. तो फिर ठीक है बेटा. तो मैं क्या कह रही थी यार, मेरे दिमाग से निकल गया यार बेटा, मैं क्या कह रही थी, आप लोगों में से कोई लिख के बता दो, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूं. किसी को अगर याद हो कि मैं क्या बात कर रही थी, मेरे जहन से. हाँ डायग्राम, ठीक है. थैंक यू सारा. तो किसने बताया, जिसने भी बताया उसको थैंक यू. तो डायग्राम का यार ये सीन होता है कि सेकेंड ईयर की जो डायग्राम्स है ना वो बहुत ज़्यादा आती हैं एमकैट में, अब तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, सही है. तो डायग्राम को भी साथ साथ लेकर चलना है, सही हो गया. तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं. देखो अब जो फंक्शनल बायोलॉजी हमने डिस्कस किया है ना, उसमें जो ज़्यादातर पोर्शन है वो जूलॉजी के पेपर का है. तो हमने समझो जूलॉजी को ज़्यादा डिस्कस किया, बॉटनी को अभी हमने नहीं छेड़ा. अब हम बॉटनी को छेड़ेंगे. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में बेसिकली जो चैप्टर्स हैं उनमें मेजॉरिटी जो चैप्टर्स है ना वो जैसे सेल साइकिल है, क्रोमोसोम एंड डीएनए है, वेरिएशन एंड जीन है, ठीक है. ये तीनों बॉटनी के चैप्टर्स हैं, मार्क कर लो, बॉटनी के चैप्टर्स हैं. और एवोल्यूशन जो है और बायोटेक्नोलॉजी, दीज बोथ चैप्टर्स आर फॉर जूलॉजी, सही है. तो अब क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की बात कर लेते हैं. क्रोमोसोम आप लोगों को पता है क्रोमोसोम क्या होता है, सही है. तो आप लोग को आवाज आ रही है मेरी, सॉरी थोड़ा सा कुछ नेट का इशू हो गया था, ठीक है. तो क्रोमोसोम आ रही है मेरी आवाज? Yes, miss. सही है. अच्छा क्रोमोसोम और डीएनए का बेटा ये होता है कि आप लोगों को पता है क्रोमोसोम क्या होता है, सही है. तो क्रोमोसोम और डीएनए की हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सही है. बेसिकली क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमोसोम से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे. अब तक तो हमने इतना कुछ पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में, तो भाई ये होता है क्रोमोसोम में जीन्स ये वो, बट और ज़्यादा डीप में और ज़्यादा डेप्थ में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम में होता क्या है और डीएनए की जो हवाले से थ्योरीज प्रेजेंट की गई है वो डिस्कस करेंगे, सही है. क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि तकरीबन कितने मिनट रह गए, 9.5 मिनट्स, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की इसको कोशिश करूँगी. एंड में आप लोग के दोबारा से मैं सवाल ले लूँगी, सही है. तो नोट करके या कहीं पे या चैट बॉक्स में लिख दो तो वो मैं डिस्कस कर लूँगी. कोई भी सवाल हो आपको, अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या पेपर अटेम्प्टिंग से रिलेटेड भी हो तो आप लोग पता है मैं वैसे भी टिप्स दे देती हूँ, ठीक है. तो उससे रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, या आजकल किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने व्हाट्सएप पर भी पूछा था. तो अगर उस हवाले से अगर आप लोग चाह रहे तो मैं भी थोड़ा बता दूँगी, वैसे टाइम कम है, बट आई होप दैट आई गेट टाइम टू एक्सप्लेन यू एज वेल. अच्छा वेरिएशन एंड जीन पे आ जाओ. वेरिएशन एंड जीन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग वेरिएशन एंड जीन में ये पढ़ेंगे कि जीन होती क्या है, ठीक है. और जीन देखो अब एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने आप लोग को ये पहले भी पढ़ाया हुआ है कि उसके पास मेल या अपने फादर से कैरेक्टर्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है, और अपनी मदर से हाफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है. तो वो हाफ हाफ कैरेक्टर्स मिलकर एक नया सेट ऑफ कैरेक्टर बनाते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर शो होते हैं, सही है. फिजिकल फीचर्स भी और इंटरनली भी जो उसके उसका बेसिकली जो पूरा
ऑर्गेनिज्म बना होता है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है उन जीन्स के ऊपर या डिपेंड कर रहे थे उन जीन्स के ऊपर जो उसको मदर से मिले जो फादर से मिले हैं, ठीक हो गया। तो अब वेरिएशन और जीन में हम ये पढ़ेंगे, वेरिएशन का आप लोगों को नाम से पता चला वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज, ठीक है। तो वो चेंज कैसे आ रहा है, हम अपने मम्मा बाबा से थोड़े बहुत मिलते हैं बट कम्प्लीटली उनकी कॉपी तो नहीं होता ना, सही है, जैसे है ना, ठीक है। तो अब एक मुर्गी का बेबी, ठीक है, या एक एलिफेंट का जो बेबी है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। अब इंसान रिजेंबल इतना नहीं कर रहे। अब दूसरी वाली के जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स में भी ऑब्वियसली जो ग्रोथ हो रही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये दोनों टॉपिक इसमें कवर होंगे और जीन के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे कि मेंडल्स का नाम आप लोगों ने आई गेस नाइन्थ क्लास में शायद पढ़ा हुआ होगा मेंडल। तो मेंडल्स के जो लॉ हैं, ठीक है, दो तीन उनके लॉज हैं वो सारे इसमें डिस्कस होंगे। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकती हूँ। हाँ बेटा मैं भी टाइप कर दूंगी, क्या नाम है इसमें, जरा लेक्चर खत्म हो जाए तो सही है। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा होता है, आज के जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग बायोलॉजी में देख रहे हो, क्या नाम है आपका, तरक्की वगैरह, ये जो एडवांसमेंट हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, जो क्या नाम है, एडवांसमेंट हो रही है बायोलॉजी की फील्ड में, ड्रग्स बन रही है, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गन भी आप देख सकते हो कि ऑर्गन्स भी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बन रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसके अलावा बन भी रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गन डेवलपमेंट ये सब चीज़ें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम लोगों के पास हो रही हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से वो अब ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ठीक। एवोल्यूशन इज चैप्टर नंबर 10 सही हो गया। तो जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ वहाँ से लेकर अब तक जितनी भी, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज या डेवलपमेंटल चेंज, कि भाई ये चीज़ पहले कैसी थी, अब उसमें एवोल्यूशन हो के एडवांसमेंट हो के या तरक्की हो के क्या उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो पहले ह्यूमन लाइफ भी और उसके अलावा प्लांट्स एनिमल्स भी पहले कैसे थे, ठीक है, और अब कैसे हैं, कंपेयर्ड टू देयर एंसेस्टर्स वो अब कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों उनमें चेंजेस आई हैं, कैसे उनमें चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एवोल्यूशन के टॉपिक में, सही। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब तीसरा जो है ना, सच्ची बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से जो आप सेक्शन देख रहे हो उसके अंदर तीन टॉपिक्स हैं, तीन चैप्टर्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक। अब अगर रियलिटी बेस पर बात करें ना, तो पेपर फंक्शनल बायोलॉजी जो शुरू के चैप्टर्स है ना, 10 चैप्टर्स, उनमें से बेसिकली बन रहा होता है पूरा चैप्टर, सही है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़